कि अगर पुलिस सरकार के हिसाब से ही, ताकतवर लोगों के हिसाब से ही, सामंतों के हिसाब से ही काम करेगी तो गरीब आदमी न्याय के लिए कहाँ जाएगा। तो मैंने कल भी वहाँ की पुलिस को कहा कि एक काम कीजिए, खाकी उतार दीजिए, इसका जनता सम्मान उस पर विश्वास करती, खादी पहन लीजिए और नेता बन के आइए तो जनता आपको सबक सिखाएगी। जिस SHO ने उस समय कार्रवाई नहीं करी वो आज क्या न्याय देगा। इसलिए वो CEO और SHO अभी भी अपनी कुर्सी पर है, तो मैं समझता हूँ न्याय नहीं हो सकता। तो अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सोए हुए मुख्यमंत्री जागेंगे। मैंने उनकी यहाँ फोटो लगी और मैंने पानी से उनकी आंखें धोने का प्रयास किया कि उनकी आंखें खुल जाएं, उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है बार बार, जो यहाँ राजनीतिक लोग हैं उनको तकलीफ होती है मेरे आने से। मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है और वो उम्मीद के रूप में भीम आर्मी को देखते हैं कि भीम आर्मी के लोग आएंगे तो न्याय। और यहाँ भी इस घटना में सबसे पहले लड़ने वाले भीम आर्मी के लोग, और ये वो लोग हैं जो इस समाज के दर्द को अपना समझते, क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोग जो इस समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए अपना घर बार छोड़ के निकले। कि आप दूसरों को देते हो हमें परहेज नहीं, लेकिन हमारे साथ दोहरापन क्यों? आपने दी है ना उदयपुर में, तो इस परिवार के आंसू कौन पूछेगा? आप तो इस प्रदेश के गार्जियन है मुख्यमंत्री जी, तो ऐसे आंख बंद करके काम नहीं चलेगा, ऐसे चुप रह के समझते हुए काम नहीं चलेगा। तो हमारी मांग है इस बच्ची को या इस परिवार किसी और व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार की कम से कम 50 लाख रुपए की सरकारी जो है मदद की जाए। और ये ताकत मुख्यमंत्री ने दी है ना उदयपुर में, ये भी तो जो है हत्या है, वो मरने के लिए आपकी वो भरोसे था आपकी सरकार के, और आपकी सरकार और आपके अधिकारियों ने उसको मरने के लिए मजबूर किया। जय भीम। अब मुझे जानकारी नहीं कि दोबारा लाइव कितनी देर में या कितनी जल्दी बंद हो जाएगा, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मुकाबला सरकार से, अपराधी से होता तो कोई बात नहीं, तो उनसे संघर्ष किया जा सकता था जब सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही थी ईमानदारी से। लेकिन अभी तो सरकार और प्रशासन मिलके, पुलिस मिलके आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है, और ये खतरनाक, ये इसलिए भी खतरनाक है कि अगर पुलिस और प्रशासन ये अन्याय करना लगेगा तो पीड़ित जाएंगे कहां? शोर को कम कराऊंगा। तो मैं हूं अभी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूपनगढ़, जिला अजमेर, और मामला है छोटे भाई ओम प्रकाश रैगर की आत्महत्या का। ओम प्रकाश ने आत्महत्या क्यों की, उसके लिए उन्होंने एक बकायदा एक बड़ा सुसाइड नोट 3 पेज का छोड़ा, किन परिस्थितियों में की, ना उम्मीद करके की या खुशी से की, ये भी उन्होंने बताया, जिन लोगों के कारण की उनका भी नाम खोला। मैं भी पिछले 4 बजे से 8:30 बजे, 4.5 घंटे से मैं भी यहाँ हूँ और यहाँ के प्रशासन और सरकार का रवैया देख रहा हूँ। जब रात मैंने वो सुसाइड नोट पढ़ा तो मैंने तय किया कि सारे काम बाद में, पहले परिवार से मिलने चलेंगे और जो अंतिम इच्छा छोटे भाई ने जाहिर की है उसको पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि इतनी बड़ी घटना पे सरकार पे कुछ असर पड़ा होगा तो सरकार ने ठोस कार्रवाई की होगी, लेकिन आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। 25 तारीख को FIR दर्ज हुई और अब तक कोई कार्रवाई नहीं, एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके विपरीत 25 तारीख को इनकी FIR दर्ज होती है 3:30 बजे, 3:18 पे, और दूसरी तरफ जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, आरोपियों के खिलाफ, उन आरोपियों के पक्ष की तरफ से भी एक FIR 5:30 बजे दर्ज हो जाती है। और यहाँ के SHO जो हैं वो ये कहते हैं कि क्या तो इसमें इस मुकदमे को वापस ले लो वरना कार्रवाई के लिए तैयार हो। एक चोरी की FIR, पीड़ित परिवार, उनके बेटे ओम प्रकाश, उनके पिता, उनके चाचा, 4 लोग खिलाफ करा दी जाती। मैं भी जब यहाँ आया, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तभी से पुलिस सतर्क थी, 2 टोलों पे हमें रोका गया और इस बात के साथ भेजा गया कि हम जाके वहां कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हर बार यहाँ की पुलिस हमें
अकलमंद बनाती है। जब भी मैं आता हूँ तभी गिरफ्तार करके जेल भेज देती। तो आज मैंने उनसे कहा ठीक है कुछ नहीं करेंगे, चलते हैं परिवार के पास जाएंगे, अंतिम फैसला तो परिवार का है। तो आज अब मैं परिवार के बीच में हूँ। मैंने जब यहाँ के देखा, उनको सुना, वो अकेले भाई थे, तीन बहनें हैं, दो बहनें बड़ी हैं एक छोटी है, वो माता पिता दोनों उपाइज हैं, खेती करके अपना परिवार चलाते थे। ओम प्रकाश और उससे जो छोटे वाली बहन है वो दोनों मुंबई में रह के नर्सिंग का कार्य करते थे और घर को चलाते थे। अभी उन्होंने कोशिश की है कि उनका मकान बन जाए, दरवाजा अभी नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात जो समझनी चाहिए, ओम प्रकाश ने ये कदम उठाया क्यों, जबकि मैं इस कदम का समर्थन नहीं करता हूँ। कदम इसलिए उठाया क्योंकि हर बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता। मैं तो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना कैरियर और जो मैं पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहा था मैंने उसको चेंज किया। तो ओम प्रकाश एक पढ़ा लिखा समझदार युवा था। 1 अक्टूबर को ही वो यहाँ आया मुंबई से काम करता हुआ, और जब उसने ये देखा कि उसके पिता के साथ मारपीट हुई, सरेआम उनको जलील किया गया, अपमानित किया गया, तो उसने कानून का, संविधान को मानने वाला, उसने अपने नोट में भी लिखा कि संविधान को पढ़ के मैंने न्याय की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। उसने सुसाइड नोट में भी बात लिखी थी। वो थाने गया अप्लीकेशन देने, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट एस सी एस टी एक्ट का SC ST कोई मुकदमा उसको दर्ज करना है, लेकिन उस दिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो पढ़ा लिखा था और सम्मान की वैल्यू समझता था, इसलिए वो दोबारा नेक्स्ट डे गया और उसने मुकदमा दर्ज करने की मांग की। और उसने कहा अगर आप नहीं दर्ज करोगे तो हम सीनियर अधिकारियों के पास जाएंगे और हम कोर्ट जाएंगे। तब FIR दर्ज हुई, लेकिन जैसा मैंने बताया उसके 2 घंटे बाद उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ और लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि मुकदमा वापस लो वरना तुम्हें जेल भेज दिया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि उनके पिता उनके लिए हीरो थे और अपने हीरो को बेइज्जत होते, जलील होते उस बेटे ने देखा, और फिर न्याय भी नहीं हो रहा है। 25 तारीख से लेके कल तारीख थी 1 नवंबर, कोई कार्रवाई नहीं, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड नोट लिखा और उसने सुसाइड कर लिया। वो हम सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को जगा गया कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। जो लोग अन्याय सह रहे हैं उनके लिए मिसाल है। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं इस कदम को सही नहीं मानता। लेकिन उसने जो सुसाइड नोट में मेरे लिए छोड़ा था, मैं कल मध्य प्रदेश में था और मैं खाकी जो हमारा सम्मान है देश का, उसकी जो कारगुजारी है उस पर मैं कल वहां भी बोल रहा था कि अगर पुलिस सरकार के हिसाब से ही, ताकतवर लोगों के हिसाब से ही, सामंतों के हिसाब से ही काम करेगी तो गरीब आदमी न्याय के लिए कहां जाएगा। तो मैंने कल भी वहां की पुलिस को कहा कि एक काम कीजिए, खाकी उतार दीजिए, इसका जनता सम्मान उस पर विश्वास करती, खादी पहन लीजिए और नेता बन के आइए तो जनता आपको सबक सिखाएगी। और यहाँ भी हालात ऐसे ही, अगर SHO ने समय पर कार्रवाई की होती, SHO ताकतवर लोगों के से रुपए लेके शांत ना बैठा होता, इनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई ने करा होता, तो शायद आज ओम प्रकाश हमारे बीच होता। इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि उस SHO पे और उस CO पे जिसके ऊपर जांच की जिम्मेदारी थी और वो आरोपी घर बैठ के चाय और नाश्ता करता और उल्टा ओम प्रकाश उसके पापा को धमकाता है, यानी कि वो अपने कार्य के प्रति भी लापरवाह, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। उनके पास अगर मुकदमा लिखने का अधिकार है, धारा लगाने का अधिकार है, तो क्या पीड़ितों को ही मारने का काम करोगे। तो जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया उस SHO CO के खिलाफ भी हमने लिख के दिया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। और वो सरपंच, वो पैसे वाला व्यक्ति जिसने ताकत के दम पे कानूनी कार्रवाई नहीं दी, उसके खिलाफ भी हमने मुकदमा दर्ज करा है। अभी हमारी बहुत सारी मांगे जो है बाकी, लेकिन सबसे आवश्यक मांग यहाँ के मुख्यमंत्री से, मैं तो ये समझता था वो पिछड़े वर्ग से आते हैं तो कम से कम दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों के दर्द को समझते होंगे, लेकिन एक सिंगल शब्द भी नहीं कह पाए। एक नौजवान ने अपना जीवन खत्म कर लिया, उनकी सरकार में न्याय नहीं हुआ, उनकी पुलिस, उनके प्रशासन ने न्याय नहीं किया, एक सिंगल लाइन का ट्वीट नहीं कर पाए, वो एक बात नहीं कह पाए। वो यहीं थे कल,
लेकिन उनको एहसास नहीं कि जिनकी वोटों पे बने हो उनके न्याय की लड़ाई को कौन लड़ेगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा। आपके पुलिस और प्रशासन के लोग अगर तानाशाही करेंगे तो न्याय कैसे होगा। तो अभी तक वो SHO सस्पेंड नहीं हुआ। ये बात हमें तब पता लगी जब हमने उस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी, तो मुकदमा लिखेगा कौन, तो पता लगा थाना अध्यक्ष अभी वही है। जिस SHO ने उस समय कार्रवाई नहीं करी वो आज क्या न्याय देगा। इसलिए वो CEO और SHO अभी भी अपनी कुर्सी पे है, तो मैं समझता हूँ न्याय नहीं हो सकता। तो अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सोए हुए मुख्यमंत्री जागेंगे। मैंने उनकी यहाँ फोटो लगी है, मैंने पानी से उनकी आंखें धोने का प्रयास किया कि उनकी आंखें खुल जाएं उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। और अगर हम संघर्ष करेंगे, मोर्चेबंदी करेंगे, तो रोने लग जाएंगे इनके यहाँ से लेकर दिल्ली तक के नेता और कहेंगे कि बताइए विपक्ष के खिलाफ ही चंद्रशेखर आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ विपक्ष में यादव सरकार है, आप पूरे देश में हल्ला मचाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, तो आपकी सरकार में क्या हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ 4.5 घंटे से बैठे हैं, पीड़ित परिवार 24-30 घंटे होंगे बॉडी को, डेड बॉडी को, अभी तक जो है सरकार की आंख नहीं खुली, अभी तक जो है इन 3 बच्चों का क्या होगा, उनके विकलांग पिता माँ का क्या होगा, इस पे सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। सरकार का कोई कैबिनेट मिनिस्टर, सरकार का कोई नेता यहाँ नहीं आया। और तो छोड़िए, जो मजबूत विपक्ष है यहाँ भारतीय जनता पार्टी, दलितों को तो उनसे भी नफरत है, या ये कहे कि बीजेपी के लोग भी दलितों के मुद्दों पर नहीं घुसते। ऐसा ही हमने इंद्र मेघवाल के केस में देखा, ऐसा ही हमने जितेंद्र मेघवाल के केस में देखा, ऐसा ही और जो है एक मामला जिसको फांसी पर लटका उस केस में हम देखा, उनकी तरफ से भी एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, और उनका भी कोई नेता इनके इनके दुख दर्द को सुनने नहीं आया। कुछ लोगों को तकलीफ होती है बार बार, जो यहाँ राजनीतिक लोग हैं उनको तकलीफ होती है मेरे आने से। मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ के लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, और वो उम्मीद के रूप में भीम आर्मी को देखते हैं कि भीम आर्मी के लोग आएंगे तो न्याय। और यहाँ भी इस घटना में सबसे पहले लड़ने वाले भीम आर्मी के लोग थे, और ये वो लोग हैं जो इस समाज के दर्द को अपना समझते हैं, क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इस समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए अपना घर बार छोड़ के निकले। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सबसे पहले SHO CEO को निलंबित किया जाए, और फिर जो है इस घटना की CBI जांच हो, क्योंकि ताकतवर लोगों के आगे कानून हार गया है। ये शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को और उनकी सरकार को, ताकतवर लोगों के चौकटों पे न्याय ने दम तोड़ दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस घटना की CBI जांच हो, और जो मांगे हमारी ये हैं कि 2 अधिकारी जो है, जो मुलजिम है, उनके खिलाफ हत्या का जो है मुकदमा दर्ज होकर उनकी उनकी गिरफ्तारी हो। पीड़ित परिवार को, क्योंकि 3 बच्चे हैं, इनका घर कैसे चलेगा, इसलिए एक पढ़ी हुई बच्ची हमारी है, हमने मांग की है कि उसको एक शासकीय नौकरी जो है सरकार दे, जैसे आपने दी ना। हमने तो पहले भी कहा कई मामलों में कि आप दूसरों को देते हो, हमें परहेज नहीं, लेकिन हमारे साथ दोहरापन क्यों। आपने दी है ना उदयपुर में, तो इस परिवार के आंसू कौन पूछेगा। आप तो इस प्रदेश के गार्जियन है मुख्यमंत्री जी, तो ऐसे आंख बंद करके काम नहीं चलेगा, ऐसे चुप रह के समझते हुए काम नहीं चलेगा। तो हमारी मांग है इस बच्ची को या इस परिवार किसी और व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दी जाए। पीड़ित परिवार की कम से कम 50 लाख रुपए की सरकारी जो है मदद की जाए, और ये ताकत मुख्यमंत्री ने दी है ना उदयपुर में, ये भी तो जो है हत्या है, वो मरने के लिए आपकी वो भरोसे था आपकी सरकार के, और आपकी सरकार और आपके अधिकारियों ने उसको मरने के लिए मजबूर किया। आप भी दोषी, आपकी सरकार भी दोषी, आपके प्रशासन के अधिकारी, आपके पुलिस के अधिकारी भी दोषी। तो इसलिए इस परिवार को तत्काल प्रभाव से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए, और मेडिकल बोर्ड द्वारा जो है उस बच्चे का, छोटे भाई का पोस्टमार्टम, और मामले की जांच मैंने कहा CBI से कराई जाए, क्योंकि जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप है, जिन ताकतवर लोगों पर, वो न्याय को प्रभावित करेंगे और जांच को प्रभावित करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि CBI जांच हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के उनके ऊपर सख्त से सख्त उनको जो है सजा दिलाई जाए। और मैं यहाँ इसलिए हूँ यहाँ के चमचे नेताओं, क्योंकि तुम लोग सरकार के एजेंट बन के अपने समाज से भी धोखा कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ रहने वाले शेड्यूल कास्ट को जातीय महासभाओं में बांट के इनको एकजुट नहीं होने दे रहे हो, और इसलिए ये गुलाम मोहताज बन के इस प्रदेश में जो है ना जानवरों जैसा जीने के लिए मजबूर है। और मैं यहीं रहूंगा डट के पूरी रात,
जब तक वो SHO सस्पेंड नहीं होता, जब तक उस CO पे कार्रवाई नहीं होती, जब तक सरकार इनके दर्द को नहीं सुनती, यहाँ के मीडिया से ब्लैकआउट करोगे, कहाँ से ब्लैकआउट करोगे? मुख्यमंत्री नेट बंद करवा दो यहाँ का, कल हमारे लोग आएंगे सुबह मेरी ताकत बनने, पूरे राजस्थान के लोग इस दर्द को और ताकतवर करने, ओम प्रकाश की आवाज़ को मजबूत करने, हमारी छोटी बहन का हौसला बढ़ाने, उसके पिता का हौसला बढ़ाने, कल पूरे राजस्थान के लोग आएंगे। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग इस परिवार की लड़ाई को लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं। इसलिए मैं पूरी रात मोर्चा लेके यहाँ, यही मोर्चरी के बाहर, क्योंकि इस अन्याय को सहना इतना आसान काम नहीं। और अब हम कितनी लाशें उठाएं ये भी जवाब देना पड़ेगा। इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, कल कौन? चंद्रशेखर आजाद, सत्यवान, सतपाल चौधरी, धर्मेंद्र, कौन? शैलेश मलपुरिया, अनिल आजाद, कौन? कल किसकी लाश पर रोके हम लोग इकट्ठा होंगे, किसकी लाश को हम लोग जो है अंतिम संस्कार के लिए रोक के रखेंगे? तो ये हमें तय करना है, इसलिए आज हम यहाँ हैं कि कल किसी ओम प्रकाश के साथ ऐसा ना हो और इस बहरी सरकार तक हमारी आवाज जाए। मैं और दर्द किसे कहते हैं ये जानने के लिए आपको अपनी छोटी बहन को रूबरू करा रहा हूँ, जो घरों में काम कर करके किस तरह से इस परिवार को के सामाजिक सम्मान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यहाँ थी, जो अभी मेरे बाद पहुंचे, जिसको ये भी नहीं पता था कि उसका भाई चला गया, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, जिसने अपना जीवन का सहारा खो दिया, जिसने अपना अपनी बाजू खो दी, जिसने अपना विश्वास खो दिया, और उसको पता है कि हर तीन वो रोज जाता था थाने इस उम्मीद के साथ कि कार्रवाई होगी। और मैं अब नीतू, हमारी छोटी बहन जो ओम प्रकाश के परिवार में सबसे छोटी, मैं उससे कहूँगा कि पूरा देश आपको सुन रहा है, इस लाइव के जरिए बहुत दूर दूर तक के लोग आपको सुनेंगे, आप किस हालात में हो, सरकार ने आपकी क्या मदद की और आप सरकार से क्या चाहती है, अपनी बात को आप जरूर रखो। घुमा दो इधर इधर, कोई हो जाओ वो लाइट उधर से जाओ, हाँ हाँ मैं हट जाऊँ, इतनी आवाज में बोलना, तुम्हारी आवाज जाए वहाँ, मैं करता हूँ वो, फिर वो सूरत हुआ करना। मैं सरकार से सिर्फ अपने परिवार को और मेरे भाई को न्याय दिलाना चाहती हूँ, मेरे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं, और उन सभी लोगों को फांसी दो जिन्होंने, जिसकी वजह से आज मेरा भाई मेरे से दूर हो गया, मेरे परिवार से दूर हो गया है। कौन जिम्मेदारी लेगा मेरे माँ बाप की और मैं हमारी? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरे परिवार को न्याय दिलाओ। तुम चाहती हो कि ओम प्रकाश को न्याय मिले? हाँ मैं बिल्कुल चाहती हूँ, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये जो लड़ाई है, मेरे को खुद को क्यों ना मरना पड़े, लेकिन मैं न्याय, मेरे भाई को न्याय दिलाए पहले मैं पीछे नहीं हटूंगी। ओम प्रकाश से तुम्हारी बात हुई? कल परसों रात को हुई थी, उसने बोला था कि इधर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे नीतू, तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। उसके बाद मेरी बात नहीं, मैंने कहा ठीक है हाईकोर्ट चले जाना तुम और अंकल। कैसा एहसास है जब तुमने भाई खो दिया? मेरा क्या बताऊं अभी, वही था हमारे परिवार में, वही हमें छोड़ के चला गया, तो अभी क्या हमारी जिंदगी है? मैं ये समझता हूँ कि इस सरकार से न्याय की उम्मीद कम है, इसलिए मैं समझता हूँ मैं पहली बार ऐसा कदम उठाऊंगा। मैंने आज तक कभी किसी के लिए मदद की मांग नहीं की, पहले भी सरकार से प्रयास करेंगे कि वो हम इन परिवार की मदद नहीं करेगी, तो मैं पहली बार इनकी मदद के लिए आपसे अपील करूंगा कि ये तीन बहने, इनके पिताजी, इनकी माँ, और वो कह रही है कि उनका भाई चला गया, लेकिन हम सब लोग भाई उनके साथ हैं। मैं मांग करूंगा पहली बार कि समाज के लोग इनकी बढ़ चढ़ के मदद करें, क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं है। उनको जब तक चार दिन में लोग चले जाएंगे, 10 दिन में इनके रिश्तेदार भी इनका साथ छोड़ देंगे, कोई नहीं आएगा। मैं तो इस हालात को जानता हूँ, जब मैं कल मध्य प्रदेश था तब भी मैं ये सोच रहा था दमोह में, वो परिवार के लोग भी चीख चिल्ला रहे थे, सरकारें सुनती नहीं है, चाहे भाजपा या कांग्रेस, सत्ता के चरित्र बिल्कुल एक जैसे।
जिनकी सरकार होती है वो घटनाक्रम को छिपाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और तमाम तरह के प्रयास अब भी जारी रहे किस तरह परिवार टूट जाए, इसको टूटने नहीं देना है। और मैं राजस्थान वासियों से अपील करूंगा कि इन जातीय महासभाओं को घर में रखो। बाबा साहब हमें वर्ग बना के गए शेड्यूल कास्ट, अगर आप में के खून में जरा सा भी उबाल है, अगर आपको जरा सी भी तकलीफ, तो एक दूसरे का हाथ पकड़िए। अभी तो महासभा हुई थी ना एक, आज उसी समाज को अन्याय के साथ जब अन्याय हुआ तो मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। गुलामी बंद करो यार, तुम खुद ताकतवर हो, अपनी ताकत को नेताओं के भरोसे मत छोड़ो। अगर छोड़ोगे तो फिर ये नीतू यहाँ बैठ के रोएगी चिल्लाएगी और ओम प्रकाश बलि चढ़ जाएगा इस व्यवस्था की, सरकारों की। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि कल इसकी ताकत बनने के लिए आना। सुबह भाई अपनी जान देके इतना न्याय मांगेंगे आखिर में, आज मेरा भाई मांगा कल दूसरा कोई, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसा ही करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये लोकतंत्र है, यहाँ सरों की कीमत है, आपको ताकतवर बन के आप इस लड़ाई को जीत सकते हो। आज आप देखो ये परिवार क्या महसूस कर रहा है। मैं इसलिए आपसे अपील करता हूँ कि सुबह आपकी एकता, दिन निकलेगा इधर सूरज निकलेगा, इधर इनके चेहरों पे भी चमक आनी चाहिए आपकी ताकत देख के। कल एहसास होना चाहिए अजमेर को और तहसील रूपनगढ़ को एहसास होना चाहिए कि हम अब बटने वाले नहीं और हम अपनी ताकत का प्रदर्शन जो है कल करेंगे। मैं चाहता हूं उससे पहले बहरी सरकार जाग जाए और जो हमारी मांगे उन पे काम करें। जिन्हों जो लोग इससे जुड़े मैं उनसे अपील करूंगा कि वो उसको शेयर करें और पूरे सब जगह तक ये बात पहुंचाएं। और राजस्थान के साथियों कल इंतजार करूंगा सुबह, हम लोग यहीं खड़े हैं डट के, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामना और उस परिवार के लिए आदरांजलि, ओम प्रकाश के लिए आदरांजलि और उस परिवार को तथागत महामानव बुद्ध जो हैं दुख सहने की क्षमता प्रदान करें, प्रकृति इनको ताकत दे, हमारी छोटी बहन को कि वो इस लड़ाई को दमखम से लड़े और आरोपियों को सजा मिले। कल आपसे मुलाकात, जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।